मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? जैसे कि आपने पिछली कहानी में देखा कि मुस्कान जब अपनी माँ से बिछड़ गई थी, तब परियों ने उसे उसकी माँ तक पहुँचाया, क्योंकि मुस्कान ने परियों की मदद की, गंगा जल देकर दादी परी को आज़ाद कराया। तो परियों ने भी मुस्कान को हर साल उसके जन्मदिन पर मिलने का वादा किया और साथ ही जादुई टोपी दी, जो मुस्कान ने संभाल कर अपने पास रख दी थी। अब देखिए आगे की कहानी। अरे, पिछले महीने ही तो मेरा जन्मदिन गया था, अब परियों से मिलने के लिए मुझे फिर एक साल इंतजार करना पड़ेगा। अरे, ये किसकी चिल्लाने की आवाज आ रही है? जाके देखती हूँ। अरे, आंटी मम्मी के ऊपर चिल्ला क्यों रही है? अरे मुस्कान की माँ, मैंने तो तुम्हें पैसे उधार दिए थे ताकि तुम मुझे अगले महीने लौटा दो, पर तुम तो मेरे पैसे लेके ही बैठ गई। और तुमने तो कहा था कि तुम्हारा पति मनी ऑर्डर भेज देगा। मुझे तो लगता है ना तुम्हारा पति आएगा और ना ही तुम्हारा मनी ऑर्डर। अरे ललिता बहन, ऐसा मत कहो, बस मुझे कुछ ही दिन की मोहलत दे दो, मैं आपके पैसे लौटा दूंगी। अरे अरे रहने दो, मुझे नहीं लगता कि तुम उधार चुकाओगी। ऐसा करो, कल से मेरे घर झाड़ू कटका करने आ जाओ और जब तक मेरा उधार ना चुका दो, मेरे घर नौकरानी बन के काम करो। और हाँ, क्या करोगी बेटी को स्कूल भेज के? उसको भी कहीं काम पे लगा दो। बहन कृपा करके धीरे बोलो, मुस्कान अंदर ही है, कहीं वो सुन ना ले, उसका दिल टूट जाएगा। अरे रहने दो तुम मुस्कान की माँ, उधारी में पढ़ाई नहीं होती। और हाँ, पढ़ लिख के कौन सा वो कलेक्टर बन जाएगी? मांझने तो उसे तुम्हारी तरह बर्तन ही है ना। भगवान जी, ललिता आंटी ने मेरी मम्मी से ऐसे बात क्यों की? मेरी माँ तो सबकी मदद करती है, सबसे प्यार भी करती है। और ललिता आंटी मेरी मम्मी को नौकरानी क्यों बनाना चाहती हैं? मम्मी ने उधार ही तो लिया है, वापस कर देगी जब पिताजी मनी ऑर्डर भेजेंगे। ललिता बहन कृपा करके धीरे बोलिए, मुस्कान सुन लेगी और मैं आपके पैसे जल्द ही लौटा दूंगी। हाँ, मुझे मेरे पैसे चाहिए। किसी के घर बर्तन मांजो, झाड़ू मारो, कुछ भी करो, मेरे पैसे मुझे चुका दो, वरना पूरे गांव वालों से बोल के गांव से बाहर फेंकवा दूंगी। ललिता बहन ऐसा मत कहिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। ललिता बहन, मैं आपके पैसे चुका दूंगी। ललिता बहन ऐसा मत कहिए। ये नाटक मेरे सामने मत करो, मैं अपने घर जा रही हूँ। हाँ, और याद रखना, मेरे पैसे जल्दी नहीं चुकाए तो गांव से बाहर फेंकवा दूंगी। मम्मी कितनी दुखी है, आंटी ने मम्मी को बहुत सुना दिया, मम्मी को कितना दुख हो रहा होगा। ललिता आंटी अच्छी नहीं है, उन्हें बस अपने पैसों से मतलब है। हम उनके पैसे चुका देंगे, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, स्कूल की फीस भी नहीं देनी पड़ेगी, मैं माँ के साथ पूरा दिन काम करूंगी और ललिता आंटी के पैसे भी चुका दूंगी। अरे पर माँ ने तो मुझे स्कूल भेजने की वजह से इतना कुछ सुना, और अब मैं ऐसे में अगर मैं स्कूल नहीं जाऊंगी तो माँ और दुखी होगी, और फिर माँ का सपना पूरा नहीं होगा मुझे पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बनाने का। और वैसे भी ललिता आंटी को भी तो झूठा साबित करना है। अभी घर जाती हूँ। अरे मुस्कान बेटा, बैठे बैठे क्या सोच रही हो? सोई क्यों नहीं अभी तक? चलो मैं तुम्हें सुला दूँ। बेटा बहुत रात हो गई है, अब सो जाओ। हाँ मम्मी, मैं बस सो ही रही हूँ। बेटा तुम्हें पता है ना, कल नवरात्र का पहला दिन है। बेटा कल तुम पास वाले बाग से फूल तोड़ कर ले आना, हमें कल फूल मंदिर के बाहर बैठ के बेचने हैं, कल काफ़ी फूल बिकेंगे बेटा, कल नवरात्र का पहला दिन जो है। ठीक है मम्मी, कल मैं जल्दी उठ के फूल तोड़ कर ले आऊँगी। शाबाश मेरी बेटी, चलो बेटा अब सो जाओ। ये कल कितना मजा आएगा, मैं भी माँ के साथ फूल बेचने जाऊंगी। और मेरी तो स्कूल की छुट्टियाँ भी कल से ही शुरू हैं, इन छुट्टियों में बहुत मजा आएगा। पर बाग में तो बहुत से लोग फूल तोड़ने के लिए जाएंगे, जिन्हें वो मंदिर के बाहर हमारे साथ बेचेंगे, तो हम ऐसे में ज्यादा पैसे कैसे कमाएंगे? काश कोई ऐसा फूल हो जो दूर दूर तक किसी के पास ना हो,
और बस हमारे पास हो ताकि सभी हमसे वो फूल खरीदे और हम पैसे कमाकर ललिता आंटी को वापस कर दे। अब मैं सो जाती हूँ। रात को मुस्कान सो जाती है और जो वो अगली सुबह दिखती है वो देखकर तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। अरे सुबह हो गई। अरे ये क्या है, इतने सारे फूल। ये फूल तो बहुत ही अलग हैं, वैसे ही जैसे परियों के बाग में थे। पर ये फूल यहाँ कौन लाया? ये फूल यहाँ कैसे आए? क्या ये फूल यहाँ परियां छोड़ कर गए हैं? या फिर मेरी जादुई टोपी जो परियों ने मुझे दी थी? जादुई टोपी? हाँ, परी ने कहा था, पर क्या सच में? मम्मी को बताऊंगी तो वह विश्वास नहीं करेंगी। मुस्कान बेटा, बेटा क्या तुम अभी तक सो रही हो या उठ चुकी हो? अरे शाबाश बेटा, तुम फूल ले आई, कितने प्यारे फूल हैं। ऐसे फूल तो मैंने कभी भी नहीं देखे। तुम बाग जल्दी चली गई, तभी माली ने तुम्हें अच्छे फूल दे दिए। हाँ मम्मी। चलो बेटा, फूल बेचने की तैयारी करते हैं। हाँ मम्मी चलिए। फूल ले लो, फूल ले लो, रंग बिरंगे फूल ले लो। आंटी मेरे लिए फूल बांध दीजिए। ठीक है बेटा, ये लो बेटा। ये कितना अच्छा फूल है, ये तो बहुत प्यारा है। ये लीजिए पैसे। धन्यवाद बेटा। अरे वाह, कितने आकर्षित फूल हैं। मेरे लिए भी फूल बांध दीजिए। जी भाई साहब, ये लीजिए भाई साहब। ये लीजिए बहन जी पैसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अरे ये फूल तो काफी सुगंधित है। बेटा काफी फूल बिक चुके हैं, बस अब थोड़े से ही बचे हैं। हाँ मम्मी, बस अब थोड़े से ही तो बचे हैं, ये भी बिक जाएंगे। बहन जी मेरे घर में पूजा है, मुझे ये सारे फूल बांध दीजिए। सारे फूल? जी बहन जी अभी बांध देती हूँ। ये लीजिए बहन जी। इतने सारे पैसे? जी हाँ, क्योंकि आपके दिए हुए फूल बहुत प्यारे हैं और बहुत सुंदर हैं। ऐसे फूल तो मैंने कहीं भी नहीं देखे, तो ये दाम इन फूलों के लिए ठीक है। बहन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये लीजिए अपने फूल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। मुस्कान बेटा, सारे के सारे फूल बिक गए और अब तो हमारे पास बहुत सारे पैसे हो गए हैं। क्या सच मम्मी? हाँ मेरी बच्ची। चलो बेटा अब घर चलते हैं। बेटा आज तुम्हारे लाए हुए फूलों से काफी पैसे आ गए हैं। मम्मी क्या हम ये पैसे ललिता आंटी को दे दें? ओ मेरी बच्ची, तुम कितनी छोटी हो और फिर भी कभी कभी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देती हो। ठीक है बेटा, मैं आंटी को पैसे देकर आती हूँ, तुम तब तक खाना खा लो। जी मम्मी। ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया, ये आज ललिता बहन के पैसे मैं लौटाने जा रही हूँ। ललिता बहन? ओ ललिता बहन। हाँ हाँ आ रही हूँ, कौन है? अरे मुस्कान की माँ तुम? क्या फिर से पैसे मांगने आई हो? नहीं नहीं ललिता बहन, मैं तो आपके पैसे लौटाने आई हूँ। आपने बुरे वक्त में पैसे देके मेरी बहुत मदद की थी, लीजिए आपके पैसे। पर मैं आपसे एक बार जरूर कहना चाहूंगी कि हमें किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। आप ये बात हमेशा याद रखें। धन्यवाद।
तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें किसी को अपने आप से छोटा नहीं समझना चाहिए और उनकी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि कभी अमीर गरीब हो सकता है और गरीब अमीर। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।